गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन को देखा था। हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ आयन की बारे में बात की थी। आज थोड़ा माइक नहीं है तो हो सकता है कि आवाज़ में थोड़ा दिक्कत हो, तो चूंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है बेटा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेक्चर में अगला लेक्चर जो आएगा उसमें आवाज़ आपकी जो है वो ठीक ठाक रहेगी। तो आइए पिछले लेक्चर में हम लोग जो है जो क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन को देखते हैं कि आप लोगों ने क्या सॉल्व किया है और सही है कि गलत है जो आपने सॉल्व किया है। आपने चीज़ों को समझा है कि अभी कुछ डाउट रह गया है, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोग वो चार क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बेटा यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन में चार आयन दिए और वो भी कार्बन आयन दिए, यानी नेगेटिव कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अब इनमें आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पता करना है, मतलब एक सही ऑर्डर आप बता दीजिए। जिस आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो उसको पहले रख दीजिए, उससे कम हो उसके बाद रख दीजिए, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो वो क्या कर दीजिए उसको सबसे लास्ट में रख दीजिए। एक ऑर्डर आपको यहाँ पे प्राप्त करना है, या तो फिर आप इस तरीके से ऑर्डर बनाइए कि जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो उसको पहले रख दीजिए, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो उसको सबसे लास्ट में रखिए। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर बेटा, ये है कार्बन आयन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हमें चेक करना है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था बेटा कि किस आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है। बेटा स्टेबिलिटी ऑफ आयन अगर आपको समझ में नहीं आया, पहले आपकी पहली क्लास है तो इससे पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ आयन हम लोगों ने पढ़ा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, कि किसी भी आयन पर बेटा जितना चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है बेटा, तो आयन पर अगर चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। और यही चीज़ हम लोग देख रहे थे कि इंडक्टिव ग्रुप यानी प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप ये क्या करते हैं बेटा, आयन की स्टेबिलिटी या तो बढ़ा देते, आयन का चार्ज जो है या तो बढ़ा देते हैं या तो और क्या कर देते हैं बेटा कम कर देते हैं। इसी तरीके से वो स्टेबिलिटी को भी क्या करते हैं बेटा प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर ऐसे तो हम लोग ओवरली सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमने ये भी देखा था बेटा कि प्लस आई ग्रुप जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जबकि माइनस आई ग्रुप क्या करेगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस की थी, फिर भी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे बेटा कि यहाँ कार्बन पर क्या है बेटा नेगेटिव चार्ज है, और इस जिस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर सभी का हाइब्रिडाइजेशन देखिए बेटा, सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो इसलिए कार्बन से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी, यानी सभी जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो एक जैसे हैं। अब उस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर आप देखिए कि जो ग्रुप लगे हैं वो सेम है, अगर सेम है तो किसमें कितना ग्रुप लगा है और वो ग्रुप का नेचर क्या है बेटा, प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि इस कार्बन पर जिस पर नेगेटिव चार्ज है इस पर कितने ग्रुप लगे हैं बेटा, इस पर तीन प्लस आई ग्रुप लगे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आर्डर आपको लिख दिया है ताकि आपको दिखा सकूं कि प्लस आई ग्रुप का मैंने आर्डर लिखा कि मिथाइल है, ये देखिए बेटा मिथाइल ग्रुप सब में लगे हैं, मिथाइल ग्रुप एक प्लस आई ग्रुप होता है, और जो प्लस आई ग्रुप है वो क्या करेंगे बेटा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं या कार्बोकैटायन की, मैंने कहा था लाइक फेवर लाइक, प्लस आई ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर माइनस प्लस आई ग्रुप क्या करेगा बेटा नेगेटिव वाले की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा घटाएगा घटाएगा बेटा, ये देखिए प्लस आई ग्रुप तीन तीन है, तीन तीन प्लस आई ग्रुप। ठीक है, हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग जाते थे। तो यहाँ पे तीन तीन लोग हैं, ये क्या करेंगे बेटा जैसे कि प्लस आई ग्रुप वाला क्या करेगा बेटा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाएगा, तीन तीन लोग इसकी स्टेबिलिटी को घटाने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखिए बेटा प्लस आई ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप सेम मिथाइल ग्रुप यानी इनकी संख्या कितनी है बेटा दो है, दो दो प्लस आई ग्रुप ये भी क्या करेंगे बेटा स्टेबिलिटी को घटाएंगे, और यहाँ पर एक ही प्लस आई ग्रुप है ये क्या करेगा बेटा ये भी स्टेबिलिटी को घटाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। देखिए मैं क्या कर दिया हूँ बेटा कि इस पर जिस पर नेगेटिव कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पर मैंने एक एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगाया बेटा, जैसे इसमें एक हाइड्रोजन हटा के एक मिथाइल ग्रुप लगाया, दो हाइड्रोजन हटा दिया यहाँ से बेटा तो दो मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तीन हाइड्रोजन हटा दिया तो तीन मिथाइल ग्रुप लगा दिया। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो है बेटा
हाइड्रोजन न तो प्लस आई ग्रुप की तरह काम करता है और न ही माइनस आई ग्रुप की तरह काम करता है, क्योंकि जब हम ऑर्डर देखते हैं तो दोनों ऑर्डर में हमें मिलता है, यहाँ पे भी आपको मिलेगा माइनस आई ग्रुप में भी मिलेगा। आपको पता है कि बीच वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में तो प्लस आई ग्रुप की तरह काम करता है ना ही माइनस आई ग्रुप की तरह काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर जो चार्ज है वही चार्ज रहेगा, या इसकी जो जो स्टेबिलिटी है थोड़ी बहुत वही रहेगी। स्टेबिलिटी घट रही है बढ़ रही है इस, ये देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप डिसाइड कर रहे हैं आगे समझ में। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी को घटाने वाला एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ घट रही है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ घट रही है, तो सबसे जो जो भी स्टेबिलिटी है बेटा सबसे ज्यादा इसमें इन चारों में, देखिए यहाँ भी घट रही है, यहाँ पे दो दो लोग घटाने वाले हैं, यहाँ तीन तीन लोग घटाने वाले हैं और यहाँ पर कोई भी घटाने वाला नहीं है, तो आर्डर सबसे ज्यादा क्या आ जाएगा बेटा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा चौथे की, उसके बाद किसकी आएगी बेटा तीसरे की, उसके बाद दूसरे की, उसके बाद किसकी आएगी बेटा पहले की आएगी, ठीक है ये ऑर्डर आएगा। आप जानते हो बेटा लाइक फेवर लाइक के अकॉर्डिंग प्लस आई ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं जबकि माइनस आई ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ माइनस आई ग्रुप नहीं लगाया बेटा, प्लस आई ग्रुप लगाया जो क्या करेंगे बेटा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे। तो इस तरीके से ये क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है बेटा फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन, यहाँ पे भी वही करना है ठीक है। अब आपको एक दो तीन चार, चार कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, चार कार्बन का आपके पास हाइड्रोकार्बन है बेटा, और सब में देखिए एक दो तीन चार, चार कार्बन का सब में जो है ये आपको हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। अब इस हाइड्रोकार्बन में आपको क्या दिख रहा है, एक फ्लोरीन यानी एक हाइड्रोजन हटाकर किसी कार्बन से फ्लोरीन आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको मैं कहता हूँ डिफरेंस पहचाने कहाँ पर अंतर है इन सब में, सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मैं कुछ लोग बताइए इसमें अंतर डिफरेंस कहाँ है, तो यही आपको पहचानना होगा। सभी जगह सेम है, सब कुछ सेम है, देखिए इस कार्बन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, कार्बन हाइड्रोजन सब में सेम, कार्बन हाइड्रोजन सब में सेम, जो भी डिफरेंस आ रहा है सब में फ्लोरीन भी है यानी हाइड्रोजन भी सब में है बेटा। अब ये हाइड्रोजन कोई भी हाइड्रोजन हो कैसे काम करता है, माइनस आई या प्लस आई बेटा, यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आपका माइनस आई ग्रुप में आता है, देखिए हाइड्रोजन मैंने लिख दिया, अब इसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से इनका माइनस आई पावर होता है। अब सब में हैलोजन फ्लोरीन यानी अगर यहाँ पर एक में फ्लोरीन लगा होता है, एक में फ्लोरीन लगा होता है, एक में ब्रोमीन लगा होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे क्या बेटा कि सब में फ्लोरीन लगा है यानी ये क्या करेगा माइनस आई ग्रुप होने की वजह से ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लाइक फेवर लाइक के अकॉर्डिंग माइनस आई ग्रुप होने के कारण या होने की वजह से बेटा ये क्या करेगा इसकी स्टेबिलिटी को तो बढ़ा रहे हैं ये लोग, लेकिन कौन ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ा पा रहा है, कौन कम स्टेबिलिटी को बढ़ा पा रहा है, यहाँ पर देखने वाली जरूरत यह है बेटा कि आप इस फ्लोरीन की पोजीशन देखिए कि फ्लोरीन की जो पोजीशन ये देखिए कार्बन आयन से कितना बेटा एक कदम दूर है, जबकि यहाँ पर देखिए कार्बन आयन से एक दो दो कदम दूर है, जबकि यहाँ पर तीन कदम दूर है फ्लोरीन बेटा। तो आगे पहुंचे बेटा, तो हमने देखा था बेटा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट चाहे वो प्लस आई हो चाहे वो माइनस आई हो बेटा, हमने देखा था कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा डिस्टेंस के, यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इंडक्टिव ग्रुप या इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होगा। तो देखिए ओवरऑल तो तीनों लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, लाइक फेवर लाइक यानी माइनस आई है तो माइनस वाले की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन अब ये पास है तो स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ा देगा क्योंकि इनमें दूरी क्या है बेटा कम है, दूरी कम तो स्टेबिलिटी को या कहें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी ये जो इफेक्ट है वो क्या कर रहा है बेटा ये स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है और यहाँ पे दूरी थोड़ा ज्यादा हो जा रही है इसलिए इसका प्रभाव थोड़ा कम है, और यहाँ पे दूरी मैक्सिमम है इसलिए प्रभाव और ज्यादा है बेटा और कम है बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा कि सेम माइनस आई ग्रुप लगे हैं, सभी में क्या लगे बेटा सेम माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन डिस्टेंस सभी की अलग अलग है, पोजीशन सबकी अलग अलग है, और आप जानते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो सबसे पास है बेटा सब इसमें डिस्टेंस सबसे कम है तो ये क्या करेगा बेटा इसमें इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब ये स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ा देगा। तो इस तरीके से पहले की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, उसके बाद दूसरे की, उसके बाद किसकी बेटा तीसरे की, ये आता है ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब तीसरा क्वेश्चन है बेटा मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन पूछा गया है कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कार्बोकैटायन। तीसरा क्वेश्चन लिखा बेटा मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, लेकिन
यहाँ पर तो सब कार्बो कटायन दिए, यानी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, कार्बो कटायन लिख दे रहे हैं, कार्बो कटायन। कौन कार्बो कटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो पहले आप देखिए कि कार्बन 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 पर पॉजिटिव चार्ज है, और जिस कार्बन का पॉजिटिव, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसका हाइब्रिडाइजेशन सब जगह क्या है बेटा, सेम है, यानी sp2 आपको दिख रहा है। और उस कार्बन के बगल में आप देखिए क्या लगा है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के बगल में देखिए एक एक आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एक एक आपको यहाँ पर एक एक आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, सब में एक एक कार्बन है, यानी एक दूसरा कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके अलावा एक और कार्बन है, ठीक है। लेकिन उनमें अंतर है, जैसे कि यहाँ पर ये जो कार्बन लगा है इससे तीन हाइड्रोजन है बेटा, तीन हाइड्रोजन लगे हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दिया गया है और एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे ब्रोमीन लगा दिया गया है, जबकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के क्या कर दिया गया बेटा, फ्लोरीन लगा दिया गया है, जबकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन लगा दिया गया है। यानी यहाँ पर जो एक कार्बन का एल्किल ग्रुप बनता है, मिथाइल ग्रुप, वो है तीन हाइड्रोजन है, लेकिन और बाकी तीनों में एक एक हाइड्रोजन हटा के अलग अलग हाइड्रोजन लगाए गए हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए आपको कैसे दिखाई देगा कि मैं इसको कह, जैसे कि आपको हर जगह दिख रहा है कि सभी कार्बन पर आपको दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, मैं इसको भी ऐसे आपको समझाने का सिर्फ तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को भी क्या कर दे रहा हूँ, ये जैसे सब में एक एक जो है एटम अलग है, मैं इसमें भी क्या कर दे रहा हूँ एक एटम, यानी हाइड्रोजन जो है तीन जो है कंडेंस फॉर्म पे नहीं, एक मैं ओपन लिख दे रहा हूँ, अब आपको अंदर समझ में आएगा। अब देखिए CH2, 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 हालांकि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, चाहे यहाँ लिखा रहे चाहे यहाँ लिखा रहे। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग, यहाँ पे ब्रोमीन लगा, यहाँ पर देखिए क्लोरीन लगा, यहाँ पे फ्लोरीन लगा, यानी ये जो ग्रुप लगे हैं इस कार्बन से वो बदल रहे हैं। आइए इस ग्रुप का नेचर समझते हैं बेटा कि इस ग्रुप का नेचर कैसे है, प्लस आई ग्रुप की तरह काम करता है, माइनस आई ग्रुप की तरह काम करता है। तो हाइड्रोजन को जब चेक किया तो प्लस पता चला कि बेटा ये न तो अच्छा प्लस आई होता है, न ही अच्छा माइनस आई होता है बेटा। तो उसके ये बगल वाले में देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन माइनस आई ग्रुप की तरह काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन जो हाइड्रोजन लगे हैं वो तीनों हाइड्रोजन क्या बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। अब क्या किया जाए बेटा, तो याद रखिए जब भी हाइड्रोजन अलग अलग हों तो उनमें माइनस आई का ऑर्डर सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, उसके बाद क्लोरीन का होता है, उसके बाद ब्रोमीन का होता है, उसके बाद क्या होता है बेटा आयोडीन का। आगे सुनिए कि अगर हाइड्रोजन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं तो माइनस आई का ऑर्डर इस तरीके से आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से सभी तो माइनस आई ग्रुप है ये तीनों, लेकिन सभी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है हाइड्रोजन में, और फिर उसके नीचे ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप लगे हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे बेटा, लाइक फेवर लाइक मैच नहीं कर रहा है, यानी माइनस आई यहाँ पे प्लस यानी कार्बोकैटायन है, यानी ये तीनों क्या करेंगे बेटा स्टेबिलिटी को क्या करेंगे घटाएंगे। अब कौन ज्यादा घटाएगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी तो कौन ज्यादा घटाएगा बेटा, देखिए इन तीनों में पावर सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, ये स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा घटा देगा, और फिर इसकी ये स्टेबिलिटी को घटाएगा, ये थोड़ा इन दोनों से कम घटाएगा, और ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो इस तरीके से मोस्ट स्टेबल पूछा गया था बेटा, तो मोस्ट स्टेबल यही रहेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन ना तो स्टेबिलिटी को बढ़ा पा रहा है ना ही घटा पा रहा है, जबकि ये तीनों स्टेबिलिटी को क्या बेटा घटाने वाले, और इसकी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या कर रहा है बेटा स्टेबिलिटी को, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे क्या कर दे रहा है बेटा बहुत ज्यादा, या कहीं सबसे ज्यादा घटा दे रहा है। तो इस तरीके से फर्स्ट आंसर हो गया। ऑर्डर पूछा जाता है बेटा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, और फिर इसकी सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी आ जाती है, ठीक है बेटा। क्योंकि माइनस आई ग्रुप है ना, इसलिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, अगर कार्बन आयन होता तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी हो जाती, ठीक है। अब आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है बेटा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन लैंग्वेज तो नहीं लिखी गई है, लेकिन बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से पूछा गया कि कौन सा कार्बोकैटायन जो है वो मोस्ट स्टेबल है, या आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है। जैसे ऊपर लिखा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मैंने बदल दिया, यहाँ पे लिखा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, आप लिख सकते हो। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है। फिर से वही कह रहे हैं बेटा, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उस पर चार्ज है उस पर आप ध्यान दीजिए, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ 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 यहाँ, और इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन से क्या क्या लगा है इसको भी ध्यान से देखिए। तो इस नेगेटिवली चार्ज पर
चार्ज कार्बन पर देखिए एक कार्बन लगा है, यहाँ पर भी एक कार्बन लगा है, यहाँ पर भी एक कार्बन लगा है, और यहाँ पर तीन तीन कार्बन लगे हैं। ये देखिए ये अंतर आ जा रहा है। अब देखिए आप दिक्कत में फंस गए। जब कार्बन की संख्या क्या हो बेटा अलग अलग हो तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी बेटा अलग अलग हो जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन डिस्टेंस तब देखी जाती है बेटा जब सेम ग्रुप हो। डिस्टेंस तब देखी जाती है जब सेम ग्रुप, मतलब चार आपको चार ऑप्शन दिए गए और चारों में सेम या तो प्लस आई ग्रुप लगा है या तो माइनस आई ग्रुप लगा है और उसकी पोजिशन अलग अलग है, तब हम लोग वहां पे डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर ग्रुप अलग अलग हैं, अगर ग्रुप अलग अलग हैं तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस ना देखें, इनकी पावर देखेंगे, इनकी ताकत देखेंगे कि इनकी ताकत किसकी ज्यादा है किसकी कम है। अब जैसे बेटा कि यहाँ पर डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्रुप जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये वाले ग्रुप ये तो सेम दूरी पर लगे हुए हैं लेकिन ये ज्यादा दूरी पर लगे हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे लगे होने वाले जो कार्बन के अलावा जो लगे होने वाला जो दूसरा ग्रुप है उस पर ध्यान दीजिए बेटा। यहाँ पर NO2 और यहाँ पे CN, यहाँ पे COOH और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब बताइए कि ये जो चारों ग्रुप अलग अलग चारों कंपाउंड में लगे हुए हैं वो माइनस आई ग्रुप है या प्लस आई ग्रुप है? तो आप ढूंढिए बेटा NO2 कहाँ पर आएगा, देखिए माइनस आई ग्रुप वाले ऑर्डर में आता है NO2। उसके बाद CN देखिए माइनस आई वाले ग्रुप में आता है, COOH देखिए माइनस आई वाले ग्रुप में आता है, देखिए हाइड्रोजन भी माइनस आई वाले ग्रुप में आता है, और ऑर्डर भी आपको देखिए माइनस आई वाला ग्रुप लगा है। तो अब ये क्या करेंगे बेटा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे बेटा, ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, और ये भी माइनस आई ग्रुप है, और ये भी माइनस आई ग्रुप है। कौन स्टेबिलिटी ये क्या करेंगे स्टेबिलिटी को घटाएंगे या स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे बेटा? तो ये क्या करेंगे स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, क्योंकि लाइक फेवर लाइक यानी निगेटिव वाला निगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा बढ़ाएगा कौन कम बढ़ाएगा बेटा, तो हमें देखना होगा कि ये ग्रुप की पावर किसकी पावर ज्यादा है या कहें किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है बेटा। तो यहाँ पर ऑर्डर हम लोग जब चेक करते हैं तो NO2 सबसे पहले आता है, यानी इसकी माइनस आई पावर ज्यादा होती है, इस हिसाब से ये ज्यादा क्या होगा बेटा स्टेबलाइज होगा। उसके बाद देखिए CN आता है, उसके बाद ये स्टेबल होगा, और उसके बाद COOH आता है, इसके बाद ये स्टेबल होगा, इस तरीके से ये तो ऑर्डर जो आएगा फर्स्ट सेकंड उसके बाद थर्ड उसके बाद क्या आएगा बेटा फोर्थ, इस तरीके से ये आपका जो है क्वेश्चन था मैंने डिस्कस कर दिया। अगली क्लास में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का, अभी तो पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ा कि स्टेबिलिटी ऑफ आयन कैसे चेक करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करके किसी आयन की स्टेबिलिटी, चाहे वो कार्बोकैटायन हो चाहे वो कार्बन आयन हो, कैसे चेक करते हैं ये हमने समझ लिया दो क्लासों में। अब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का अगला एप्लीकेशन देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे प्रभावित करता है, हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में कैसे अप्लाई करते हैं किसी कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, अगली क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।